लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को क्या बड़ा झटका लगेगा? आखिर क्यों विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को लेकर दुविधा में सैनी सरकार नजर आती है? क्यों कार्रवाई और राहत के फैसले कैबिनेट बैठक में अटके हुए नजर आ रहे हैं? क्या अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर हरियाणा की बीजेपी सरकार फंसती दिख रही है? बीजेपी को सत्ता से बेदखल भी क्या अब ये अधिकारीगण कर पाएंगे? ये सब कुछ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले सैनी सरकार दुविधा में नजर आती है। लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुकी हरियाणा सरकार अब कर्मचारियों के फैसले, उनसे संबंधित फैसले लेने में पशुपेश में है। चेतावनी दी जाने के बावजूद हरियाणा सरकार ने ना उन अधिकारियों को बल्कि कर्मचारियों की भी कोई सूची जारी नहीं की जिन्होंने विपक्ष बोगस वोटिंग में मदद की थी विपक्ष को, और ना ही ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों से संबंधित कोई फैसला नहीं लिए जाने से एक बार फिर कर्मचारियों की आस टूट गई है, उनकी नाराजगी बढ़ गई है। अल्ट कर्मचारियों की नाराजगी को देख पक्के और कच्चे कर्मचारियों को सरकार से राहत के फैसलों की आस है, लेकिन इस प्रकार के फैसले लेने में भी सरकार अब झिझक रही है। ताजा उदाहरण है कि हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, संभावना जताई जा रही थी कि बैठक में पक्के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 की जाएगी। इन सब के अलावा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर अटकलें होंगी, लेकिन बैठक में इसका कोई एजेंडा नहीं लाया गया, ना ही कोई चर्चा। कर्मचारियों से संबंधित कोई फैसला नहीं लिए जाने के बाद एक बार फिर कर्मचारियों की आस टूट गई है और उनकी नाराजगी बढ़ गई है। हालांकि कर्मचारियों की आस नहीं टूटी है और कर्मचारी संगठन लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री राजेश, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं राजेश खुल्लर, उनसे मुलाकात कर रहे हैं इस उम्मीद में कि हाँ शायद हमारे लिए कुछ हो जाएगा। आपको बता दें हरियाणा में 2.70 लाख पक्के कर्मचारी हैं और 1.30 लाख कच्चे कर्मचारी। इनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत समायोजित किया गया है। इनके अलावा 12,500 अतिथि अध्यापक हैं, डीसी हैं, एडहॉक रेट पर करीब 7,000 कर्मचारी हैं। पहले सरकार की योजना थी कि एडहॉक और डीसी रेट पर तैनात कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर इनका भी समान वेतन और 58 साल तक सेवारत रहने का नियम होगा, लेकिन इनको पक्का नहीं किया जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला अभी भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ही लेगी। सूत्रों का यह भी दावा है कि सीएमओ में कर्मचारियों को लेकर दो प्रकार की राय है। एक राय ये कि कर्मचारियों पर अगर कार्रवाई की गई तो ये बड़ा मुद्दा बनेगा और इससे विधानसभा चुनाव में सरकार की नाराजगी सरकार के प्रति दिखाई पड़ेगी, इसलिए कर्मचारियों को मनाने के लिए उनको राहत दे दी जाए ताकि उनकी नाराजगी दूर हो जाए। दूसरी राय ये कि कर्मचारियों ने लोकसभा चुनाव में खुलकर बीजेपी की मुखालफत की है, इसलिए एकदम से राहत देकर सरकार कर्मचारियों के दबाव में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। सरकार चाहती है कि फैसले से पहले कर्मचारी संगठनों से बैठक हो जाए, इसके लिए सरकार से मांग रखें। लेकिन एक आशंका यह भी है कि तमाम राहतें देने के बाद भी कर्मचारी बीजेपी के साथ नहीं आएंगे, इसलिए तमाम पहलुओं को देखने के बाद सरकार कर्मचारियों पर अब आगे ही कोई फैसला लेगी। आउटसोर्स पॉलिसी के तहत लगे कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह से मुलाकात भी की है और उन्हें पक्का करने की मांग भी की है। कर्मचारी सोसाइटी के प्रधान रामरतन, महासचिव योगेश चंद्र ने ये कहा कि पिछले 3 साल में उनके मानदंड में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इनके अलावा न तो उनकी जॉब सिक्योरिटी है, न ही महंगाई भत्ता उन्हें मिल रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों ने सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से भी मुलाकात की और नियमित करने की जो पॉलिसी है उसे लाने की मांग की। पिछले दिनों संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में आपको पता ही है कि बीजेपी को हरियाणा में बुरी तरह से मात खानी पड़ी थी। पिछले चुनाव में राज्य की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इस बार सिर्फ 5 सीटें उसे मिली। उसका मत प्रतिशत भी 12% कम हुआ। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारण यह है कि उसकी ये पूरी कमी कांग्रेस के खाते में ट्रांसफर हो गई। कांग्रेस ने 0 से आगे बढ़ते हुए 5 सीटें जीती, बल्कि मत प्रतिशत को भी बढ़ा लिया। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि यदि लोकसभा चुनाव के यही आंकड़े अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में ट्रांसफर हुए तो बीजेपी को सत्ता से बेदखल होना पड़ सकता है। अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है और पार्टी के पास अगर देखिए तो मात्र जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ 3 महीना है तैयारी के लिए। इस दौरान अगर ये कर्मचारियों का मुद्दा और बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर सैनी सरकार को विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।